हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखिए, बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा 2018-19 को जो हुई थी, ग्रुप सी और डी और ड्राइवर स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए उनका अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है। तो ज़रूर देखें किसे कहाँ अलॉट मिला है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है, ठीक है ना। तो ज़रूर देखें, और कैसे देखना है इस पूरी वीडियो को एंड तक देखें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिनका ग्रुप सी या ग्रुप डी या ड्राइवर पोस्ट के लिए हो गया था, जिनका रिजल्ट में नेम आ गया था, ठीक है ना, शॉर्ट लिस्टेड हुए थे कैंडिडेट। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको देखना है, पूरा इस वीडियो का एंड तक देखिए आपको कैसे पीडीएफ डाउनलोड करनी है। कल रात में ये पीडीएफ डाउनलोड हो नहीं रही थी और ये आज मॉर्निंग से हो रही हैं, तो कैसे आपको डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट की वेब डायरी इवेंट पेज पे, और इसमें फर्स्ट नंबर पे आप देख रहे हैं अलॉटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, सिलेक्टेड कैंडिडेट जो आपके जितने भी ग्रुप सी और ग्रुप डी और स्टेनोग्राफर ड्राइवर वाले हैं सभी का यहां से ही पीडीएफ डाउनलोड होना है अलॉटमेंट, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का, ठीक है ना। तो यहां पर आपको इस तरह से ये दिया गया है, तो यहां पर आपको प्रेस करना है, देन प्रेस करने के बाद में, और ये ध्यान दीजिए कि जो इसका विजिबल डेट है वो 30 नवंबर तक रहने वाली है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको ही आपको प्रेस करना है, HTML दिया गया, HTML पे आप क्लिक करेंगे, देन ये पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह का, जिसमें दिया गया है कि आपका फाइनल रिजल्ट कब आउट हुआ था। जैसा कि हम बात करेंगे, ये आपका जो क्लरिकल पोस्ट है यानी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट और ग्रुप डी की जो पोस्ट है, इनका जो रिज़ल्ट है वो 10/5 को आ गया था 2019 में, और वहीं हम बात करेंगे ना स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर का 1/6 को आ गया था रिजल्ट 2019 में, ठीक है ना। तो इसकी दो लिस्ट आयोग ने जारी कर दी हैं, लिस्ट ए है और लिस्ट बी है, जिसमें 1486 पोस्टों की लिस्ट है और यहाँ पर ये 29 पोस्टों की लिस्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये क्या करनी है, यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको प्रेस करना होगा, देन प्रेस करने के बाद में आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है ना। पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ, ये पीडीएफ मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, यहाँ से मैं आपको ओपन करके दिखाऊँगा। ये 1486 कैंडिडेट की ये पीडीएफ है, और इसमें देखिए क्या कैसे क्या दिया गया है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर जो दिया गया है आप देख रहे होंगे, ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे पेज हैं, तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट का भी ऑप्शन मिल जाएगा इस तरह से फाइंड करके। यहाँ पर आते हैं और ये देखेंगे कैसे आपको सर्च करना है। सर्च में फाइंड का ऑप्शन करके आप यहाँ पर रोल नंबर के अकॉर्डिंग सर्च कर लीजिए, या अपना नेम या फादर नेम के अकॉर्डिंग सर्च कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ भी डाल के आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे, जो ऑफर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं वो इस तरह से दिए गए हैं, जैसे आपका यहाँ पर यह फिरोज़ाबाद है, किसी को मैनपुरी मिला है, किसी को फिरोज़ाबाद है, ठीक है, कई सारे आगरा हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑफ़र किए गए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट की, तो पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको पोस्ट भी ऑफ़र की जाए। देखिए, कुछ लोगों के लिए जैसा प्रोसेस सर्वर का है, तो केवल उसे ही यही पोस्ट के लिए अलॉट किया गया है, और बाकी जैसे आपका हो गया यहाँ पे प्यून हो गया, कई और पोस्टें थी, ठीक है ना, ये तो इसमें आपके पास ऑप्शन होगा, ठीक है ना, ऑप्शन होगा, तो उसमें आप अपनी पोस्ट को चूज़ कर सकते हैं। अलॉट मेंट लेटर लेकर के जाना है, और जो आपको डिस्ट्रिक्ट दिया गया है उस डिस्ट्रिक्ट में आपको जाकर के अपना अलॉटमेंट दिखाना है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका होना है वो आगे प्रोसेस होगा सारा, ठीक है। तो ये आपको अपडेट देनी थी, और इसको ज़रूर वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि इसमें कितने पेज हैं, 97 पेज हैं, ठीक है ना, 97 टोटल इसमें पेज हैं। तो इस तरह से आप इसको देख रहे होंगे कैसे क्या पीडीएफ है, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।